नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी जा नहीं रहे, आ रहे हैं। एक्चुअली आज रात हम लोग आपके यहाँ रुकने का सोच रहे हैं। एक्चुअली कल विधि से मेरी बात हुई थी, मैंने उसे बताया था कि आज रात हम लोग आने वाले हैं। आई नो आप लोगों के लिए थोड़ा ऑकवर्ड होगा कि शादी से पहले हम लोग यहाँ पर रुकने के लिए आ गए हैं। अब मैं आपको बता ही दूँ कि ये हमारा आखिरी टेस्ट है। हम विधि को घर गृहस्थी संभालते हुए देखना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ 24 घंटे रहेंगे। आई प्रॉमिस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो ये जो कुछ भी हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था तो एक्चुअली ऑफिस का सर्टिफिकेट तो विधि के बॉस से मिल ही गया है, लेकिन अब घर पे तो जब तक साथ में नहीं रहेंगे तब तक पता नहीं चलेगा ना कि लड़की को घर के छोटे मोटे काम आते भी है या नहीं। एक्चुअली फॉरेन में हाउस हेल्प मिलना इतना इजी नहीं है, वहाँ पे सब काम खुद ही करना पड़ते हैं। बस इसलिए आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? क्या बनाऊं, महीने का आपके लिए राशन भी खत्म हो गया है। कुछ भी नहीं है क्या? हाँ अच्छा मैं बाजार से लेके आता हूँ। कमाल की बात करते हैं आप, मेहमानों के सामने बाजार जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि घर में कुछ है ही नहीं। एक काम करती हूँ, अभी पकौड़े तल देती हूँ, लेकिन अभी तो 24 घंटे बाकी हैं। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि देव साहब यहाँ पर हैं, वो बातों में लगाए रखेंगे। एक बार वो चले गए तो फिर क्या होगा ये सोचो। आप चिंता मत कीजिए, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रुकूंगा। देव जी पर 24 घंटे से पहले तो बात पक्की होगी नहीं। तो क्या हुआ, मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे रुक जाता हूँ, क्या बड़ी बात है? अरे देव साहब आप यहाँ हमारे घर पे नींद नहीं आएगी आपको, यहाँ पे कहाँ। हरि प्रसाद जी, नींद के लिए सुकून की जरूरत है, नरम बिस्तर की नहीं, और आप लोगों के घर में बहुत सुकून है, ट्रस्ट मी, चिंता मत कीजिए। क्या ही बोलूं मैम, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि विधि की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी है, मुझ पे छोड़ दीजिए। पर रुकेंगे कैसे आप, कपड़े तो आप। मैं इंतजाम कर लूंगा, डोंट वरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा तो वो जो FM के जो प्रोजेक्ट है वो उसकी फाइल जो है उसको जरा अच्छी तरह देख लेना, ठीक है, और उसको स्टडी कर लेना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ और जो लैपटॉप में जो बाकी चीज़ें हैं वो भी, ठीक है। हाँ ओके चलो। हाय। हाँ हाय, अर्जुन से बात कर रहा था, अर्जुन ने तुम्हें हाय बोला। सबकी बातें आप मुझ तक पहुंचा देते हैं, लेकिन बस एक मेरे ही दिल की बात आप तक नहीं पहुंचती। वो माँ पूछ रही थी कि आप आज रात को डिनर में क्या खाना पसंद करेंगे। भिंडी मसाला। हाँ? आकाश कह रहा था उसे बहुत अच्छा लगता है। आकाश को पसंद है। ओके। हमारे यहाँ का रिवाज है लड़के वाले लड़की को एक कोई भेंट देते हैं और फिर लड़की लड़के को, तो दरअसल हम कुछ लाए थे बेटा। विधि जी आपके लिए। थैंक यू। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमने तो कोई तैयारी की ही नहीं तो। जी मैंने आकाश के लिए एक शर्ट और कुछ सामान मंगवाया था, मुझे लगा अगर सगाई
पक्की करनी होगी तो शगुन में हमें भी तो कुछ देना होगा। बेटा आकाश, आप वो कपड़े पहन के देख लो, अगर बड़े छोटे हुए तो हम कल के कल ही बदलवा लेंगे, वो पड़ोस की दुकान से ही लिए हैं। निधि, बेटा इन्हें अंदर ले जाओ, वो पल्ली वाली अलमारी में ही रखे हैं। हाँ ठीक है, चलिए। अंकल, ये शर्ट एक्सचेंज हो जाएगी ना? एक्चुअली मुझे ऐसे कलर्स नहीं पसंद, मुझे क्लासी और सोबर कलर्स अच्छे लगते हैं। हाँ बेटा, हो जाएगी एक्सचेंज, करवा लेंगे। कमीज की नहीं, तुझे तो तमीज की जरूरत है। मैनर्स ही नहीं है, और एक देव सर है, मेरी मामूली सी शर्ट भी कितने प्यार से पहन ली। जी सर, कुछ लोगों को ना तमीज में आपसे क्रैश कोर्स लेने की जरूरत है। वो ये सीखने की जरूरत है कि जब कोई आपको गिफ्ट देता है तो उसका प्राइस टैग और ब्रांड नहीं देखते, देने वाले का दिल देखा जाता है। सर आप इतने अच्छे और परफेक्ट क्यों है? आपके आगे तो मुझे कोई और भाता ही नहीं। या तो आप इतने अच्छे नहीं होते या फिर आप मुझसे कभी मिले ही ना होते। हाँ सर, ये लड़का मेरी टेस्ट ले रहा है, लेकिन मेरी टेस्ट में आपके सामने तो एक कप का फेल हो चुका है। विधि का आकाश को पसंद करना बहुत जरूरी है, मुझे ही कुछ करना होगा। तो अगर आप सबकी रजामंदी हो तो सगाई की बात कर लें। हाँ हाँ, तो फिर एक काम करते हैं, अंगूठी तो बनवा ही लेते हैं। हाँ बेटा, तुम वो सोनार के पास चलोगे मेरे साथ? वो माप भी ले लेगा और डिजाइन तुम बेटा खुद पसंद कर लो, क्या है चीज बनने में थोड़ा टाइम भी लगता है और टाइम आप लोगों के पास कम है थोड़ा। लेकिन अगर आगे जाकर बात पक्की नहीं हुई तो? मेरा मतलब है कि आप लोगों का अंगूठी का नुकसान ना हो। नहीं बेटा, वो उसकी चिंता नहीं है, वो जिस जौहरी के यहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहीं से अंगूठी बनाएंगे, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। पर आपकी पसंद की होनी चाहिए अंगूठी, तो कहीं ऐसा ना हो शर्ट की तरह बाद में अंगूठी भी पसंद नहीं आई तो थोड़ा मुश्किल हो जाए। ये हुई ना बात, मुझे भी सब कुछ पहले से इसी तरह प्लान करना पसंद है। आकाश, इफ यू डोंट माइंड, दो मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ अकेले? या श्योर, कम आकाश कुछ ऑनेस्टली बोलो। या श्योर। मुझे क्या लग रहा है ना, तुम शादी की प्रेपरेशंस को लेकर कुछ ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, हालांकि तुम्हें प्रेपरेशंस पे कम और रिश्तों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब जैसे शादी है, ये कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं कि तुम इसकी लॉजिस्टिक रिपोर्ट बनाओगे, इंसान से हो रही है तो जानो उसे, पहचानो, समझो, यू नो व्हाट आई मीन। या यू नो, अगर मुझे पता होता ना कि विधि को क्या पसंद है और क्या नहीं। पानी पूरी बहुत पसंद है उसे, तो लिखे जाओ उसे यार, थोड़ा घुमाओ, थोड़ा सुनो, थोड़ा सुनाओ, इट बी अमेजिंग। आई मीन मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, आई नो हम दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप है, लेकिन शादी में जनरेशन का क्या लेना देना, क्योंकि शादी तो हमेशा रिश्तों से बनती है, रिश्तेदारों से कभी नहीं। राइट राइट, थैंक यू।
वैसे विधि को देख के लगता नहीं है कि वो इतनी बड़ी कंपनी में होगी और इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर, और इतने इम्पोर्टेंट कि उसके बॉस मिस्टर देव रायचंद खुद उसकी शादी में उसकी हेल्प करने आए। सॉरी, देख के नहीं लगता मतलब? मेरा मतलब है कि रहन सहन में देखने में काफी सिंपल सी है, ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं, बहू के लिए परफेक्ट है, लेकिन प्रोफेशनल आई डोंट थिंक सो। यू नो ना व्हाट आई मीन टू से, विधि जरूरत से ज्यादा सीधी है। और तुम जरूरत से ज्यादा ही ओवर स्मार्ट, पता नहीं क्यों विधि को ना समझ पाना, उसके पीछे उसका मजाक उड़ाना, ये कुछ सही इमेज नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, मैं चल लूंगी आपके साथ, लेकिन मैं पानी पूरी नहीं खाती। क्या? लेकिन मुझे तो पता चला था कि तुम्हें पानी पूरी बहुत पसंद है। पसंद थी, एक बार मैंने किसी को जबरदस्ती पानी पूरी खिलाई थी और उसके बाद उनका पेट बहुत खराब हो गया था, तो बस अब उसी का पश्चाताप कर रही हूँ। अब अगले एक साल तक मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर आप खाना चाहते हैं तो मैं आपको कंपनी दे सकती हूँ। फिर क्या फायदा, वैसे भी मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा था, मुझे तो स्ट्रीट फूड बहुत ही अनहाइजीनिक लगता है। विधि, विधि, सॉरी मैं ऐसे जा रहा था, मैंने आप लोगों का प्लान सुना। तुम जाओ यार, तुम जाती क्यों नहीं, तुम्हें तो वाकई में पानी पूरी बहुत पसंद है। मस्ट गो। नो प्रॉब्लम, मेरे पास इससे भी बेटर आइडिया है। आई मीन मतलब तो एक दूसरे को जानने से है ना, तो एक छोटा सा टेस्ट घर में ही कर लेते हैं। टेस्ट? टेस्ट? फिर टेस्ट? समझ ही नहीं आ रही, दोनों कर क्या रहे हैं, बर्तन क्यों मांझ रहे हैं, ये तो गोलगप्पे खाने जाने वाले थे। विधि का तो समझ में आता है, पर ये आकाश क्यों बर्तन धो रहा है? हाँ? ओ, संस्कार, इसे कहते हैं संस्कार। तुम लिख के ले लो, जो आदमी अपनी बीवी के साथ बर्तन मांझता है ना, उसकी बीवी दुनिया की सबसे ज्यादा भाग्यवान औरत होती है। लिख के लो तुम। आकाश, अरे ये क्या, समझ नहीं आ रहा क्या करें आप लोग। मिस्टर देव, आपको पता है आजकल सबसे ज्यादा झगड़े टीवी रिमोट को लेकर नहीं होते, बल्कि इस बात पर होते हैं कि डिशेस कौन साफ करेगा। अब वो क्या है ना कि वेस्टर्न कंट्रीज में इजीली हाउस हेल्प नहीं मिलती ना। फॉर आई एम श्योर तुम ठीक ठाक कमा लेते हो, डिशवॉशर नहीं क्या घर पे? है, बिल्कुल है, बट यू नो इंडियन फूड इतने ऑयली होते हैं कि अब डिशवॉशर में कुकर और कढ़ाई कैसे धुलेगा। बिल्कुल धुल जाता है, सब कुछ धुल जाता है, हमारे पास यहाँ इंडिया में हम धो देते हैं। एंड डोंट फॉरगेट हमारे कंपनी के दो दो होटल हैं, उसके अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, सब हो जाता है। वैसे विधि, आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट थी, यू नो एकदम परफेक्ट। बस अब एक आखिरी शर्त बची है। तो मेरी आखिरी शर्त ये है कि शादी के बाद पहले 2 महीने मैं और विधि किसी से कुछ कांटेक्ट नहीं रखेंगे। ना ही अपने फ्रेंड से, ना ही फैमिली से, और ना ही ऑफिस कलीग से। ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।